जब उस तेंदुए ने उस लड़के के गले में दांत गड़ाए थे तभी उसका सिर गर्दन की हड्डी से अलग हो गया होगा, और जब वह तेंदुआ उसे आंगन के पार ले गया होगा उससे पहले ही वह बच्चा मर चुका होगा। सीढ़ियों से आगे चढ़ते हुए उस औरत के पड़ोसियों का लड़का और उसके बाद उसकी बेटी, उसके पीछे वह स्वयं चल रही थी और सबसे लास्ट में था उनका बेटा। जब पड़ोसियों का लड़का सीढ़ी चढ़ा तो उसने एक जानवर देखा जो सीढ़ियों से लगी निचली मंजिल के खुले कमरे में लेटा था। लड़के ने उसे कुत्ता समझ लिया इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अन्य तीनों ने तो उसे देखा भी नहीं। इस लड़के के पीछे थी लड़की और उसके पीछे थी वह स्वयं और सबसे पीछे था उसका बेटा। माँ सीढ़ियों के बीच में रही होगी कि उसने पीतल का भारी बर्तन जिसे उसका बेटा लेकर आ रहा था जमीन में बजने और लुढ़कने की आवाज सुनी। बेटे को उसकी लापरवाही के लिए कोसते हुए उसने अपना बर्तन बरामदे में रखा। सीढ़ियों की जड़ पर पड़ा हुआ उसने पीतल का वह बर्तन उठाया और इधर उधर बेटे को देखने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दिया। माँ ने समझा कि वह डर के मारे भाग गया है और उसे पुकारने लगी। बगल के घरों से लोगों ने बर्तन के गिरने की आवाज सुन ली थी और अब माँ को अपने बेटे को आवाज देते सुनकर वे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और आकर पूछने लगे कि क्या बात है। किसी ने कहा कि लड़का निचली मंजिल के किसी कमरे में छिप गया होगा, अंधेरा हो गया था इसलिए एक व्यक्ति लालटेन लेके आ गया। जो ही वह महिला के पास पहुंचा उसने सीढ़ियों पर खून की कुछ बूंदे देखी। आदमी की भय मिश्रित आवाज सुनकर लोग आंगन में आकर जमा होने लगे। इन लोगों में से एक बूढ़ा आदमी एक शिकारी के साथ कई शिकार अभियानों में जा चुका था। लालटेन वाले व्यक्ति से लालटेन लेकर वह बूढ़ा आदमी खून की बूंदों का पीछा करते हुए आंगन के किनारे नीचे की दीवार तक गया। यहाँ नरम मिट्टी पर उस तेंदुए के पंजों के निशान थे। उस क्षण किसी को भी संदेह नहीं था कि उस लड़के को आदमखोर तेंदुआ ले गया है। हालांकि हरेक ने तेंदुए के बारे में सुना था लेकिन वह इस गांव के 10 मील के भीतर पहले कभी नहीं आया था। और जैसे ही उनकी समझ में आया कि क्या हो चुका है उस महिला ने रोना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग ढोल, नगाड़े और बंदूक लेने के लिए अपने घरों की तरफ भागे। उस गांव में तब तक 3 बंदूकें थी। कुछ ही देर में शोर शराबा होने लगा। रात भर ढोल बजाए गए और गोलियां दागी गई। अगले दिन लड़के के शरीर को ढूंढा जा सका। मेरे वहां पहुंचने पर उस महिला ने पूरी घटना बताई और घटना बताते बताते उसका गांव वालों के प्रति ये गुस्सा था कि किसी ने भी उसके बच्चे को बचाने के लिए उस तेंदुए के पीछा नहीं किया। उस महिला का कहना था कि अगर इस बच्चे का पिता जिंदा होता तो वह उस तेंदुए का जरूर पीछा करता। लोगों के खिलाफ उसके आरोप और इस भ्रम को कि अगर गांव वाले पीछा करते तो बच्चे को बचा लेते मैंने गलत बताया, क्योंकि जब उस तेंदुए ने उस लड़के के गले में दांत गड़ाए थे तभी उसका सिर गर्दन की हड्डी से अलग हो गया होगा और जब वह तेंदुआ उसे आंगन के पार ले गया होगा उससे पहले ही वह बच्चा मर चुका होगा। ऐसे में चाहे कोई भी हो, चाहे वहां उपस्थित हो या नहीं, कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। अपने आसपास इकट्ठे 100 से ज्यादा लोगों को देखकर मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि दिन के समय तेंदुए जैसा बड़ा जानवर आंगन पार करके गांव में आया और आते जाते इन लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। यहां तक कि उसकी उपस्थिति का एहसास गांव के कुत्तों तक को नहीं हुआ। तेंदुए ने लड़के को पशु मार्ग पर ही छोड़ दिया और पहाड़ी से नीचे उतर गया। वह वापस अपने शिकार पर लौटता लेकिन ढोल, नगाड़ों और बंदूक की फायरिंग रात भर होती रही। इसके बाद वह रात को उस शिकार पर नहीं लौटा। इस घटना से संबंधित हर जगह का मुआयना करने के बाद मैं आंगन में वापस आया और गांव के प्रधान से खोदने के लिए एक सब्बल, एक मजबूत खूंटा, हथौड़ा और जंजीर मंगाने को कहा। सब्बल से मैंने आंगन के बीच में एक छेद किया, उसमें खूंटा गाड़ दिया और जंजीर से उसको बांध दिया। फिर प्रधान की सहायता से उस लड़के के शरीर को लाकर जंजीर से बांध दिया। मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने धारे पे हाथ धोए और सूखी घास का एक कट्ठड़ बिछाकर अपनी पोजीशन ले ली। अंधेरा घिर गया था। लोगों को मैंने अपने अपने घर जाने को कह दिया था। शाम से ही घने बादल छाने लगे थे और लगभग 8 बजे जब गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया था, बिजली चमकी और फिर तेज हवा चलने लगी जिससे लग रहा था कि तूफान आएगा। घंटे भर तूफान चलता रहा। अंधेरा होने के कारण मुझे उम्मीद थी कि तेंदुए के आने की खबर मुझे मेरे कान ही देंगे, इसलिए मैंने उस मृतक को रस्सी की जगह जंजीर से बांध दिया था। मैं अंधेरे में सुनने की कोशिश ही कर रहा था तभी मेरे पैरों के पास से मुझे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। मेरी त्वचा पर मैंने महसूस किया जैसे बाल वाले किसी प्राणी का स्पर्श हो रहा था। यह आदमखोर हो सकता था और मुझे लगा कि यह मेरे ऊपर आकर मेरे गले को जकड़ लेगा।
अब मैंने अपने बाएं कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस किया। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था जिससे इस तेंदुए का ध्यान बढ़ जाए, एक छोटा सा जानवर मेरे हाथ और सीने के बीच से कूदा। यह एक बिल्ली थी जो गीली थी। ये तूफान में फंस गई थी। सभी दरवाजे बंद पाकर सुरक्षा और गर्मी के लिए मेरे पास आई थी। थोड़ी देर बाद मुझे खेतों के पार गुर्राहट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। गुर्राहट की आवाजें दो तेंदुओं की थी। स्पष्ट था कि आदमखोर उस स्थान पर लौट आया था जहाँ पर उसने पिछली रात को अपना शिकार रख छोड़ा था। वह उसे ढूंढ ही रहा होगा और शिकार को गायब पाकर वैसे ही वह अच्छे मूड में नहीं था। तब तभी उसे किसी और तेंदुए ने देख लिया जो क्षेत्र को अपनी शिकार भूमि समझता था। जब कभी दो तेंदुए आमने सामने पड़ भी जाएं, तो एक नजर में वो एक दूसरे की शक्ति को भांप लेते हैं और कमजोर तेंदुआ शक्तिशाली को रास्ता दे देता है। आदमखोर तेंदुआ हालांकि बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली नर था। उसके 500 वर्ग मील क्षेत्र में शायद ही कोई दूसरा तेंदुआ उसके शासन को चुनौती दे सकता था। मैं सोच रहा था कि आदमखोर तेंदुआ अगर दूसरे तेंदुए को हराने में कामयाब भी हो गया, तो भी अपने शरीर के घावों के कारण कुछ समय तक अपने शिकार में रुचि नहीं लेगा। इस बात की भी संभावना थी कि यह लड़ाई उसके लिए जानलेवा साबित हो जाए। आदमखोर तेंदुए और दूसरे तेंदुए के बीच पहली लड़ाई 5 मिनट तक चली। उसके बाद इन दोनों की आवाज बंद हो गई। करीब 10 से 15 मिनट के बाद फिर से इनकी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन यह पहले वाले स्थान से 200 या 300 गज दूरी पर हो रही थी। इस बात से साफ था कि स्थानीय तेंदुआ आदमखोर तेंदुए पर भारी पड़ रहा था और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। जब लंबी चुप्पी के बाद तीसरी बार लड़ाई हुई, तो उसका समय बदलकर पहाड़ी की धार से और भी दूर हो चुका था। धीरे धीरे इन दोनों तेंदुओं की गुर्राहट सुननी बंद हो गई। अब मैं समझ गया था कि मेरा भैंसवाड़ा आना बेकार हो चुका है। ये लड़ाई जिस तरह धीरे धीरे धीमी होती गई थी, उससे लगता था कि आदमखोर तेंदुआ घायल हो गया था। लेकिन इससे मनुष्य के मांस के प्रति उसका आकर्षण कम नहीं होगा और न ही मानव शिकार को प्राप्त करने की उसकी शक्ति जवाब देगी। वह आदमखोर तेंदुआ यहाँ से जा चुका था। सूरज की पहली किरण पड़ते ही मैंने प्रधान को जगाया और उसको आश्वासन दिया कि आदमखोर तेंदुआ अब उसके गांव में फिर कभी नहीं आएगा। प्रधान से यह बात करने के बाद कि लड़के का अंतिम संस्कार तुरंत किया जाए, मैं रुद्रप्रयाग की अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया। लगातार मिल रही असफलताओं के कारण मुझे महसूस हो रहा था कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे करना मेरे भाग्य में ही नहीं है। इसको दुर्भाग्य ही तो कहेंगे जब आदमखोर अपने शिकार को अपने स्थान पर ना पाकर गांव की तरफ आ रहा था, तो किसी और तेंदुए ने उसका रास्ता रोक लिया। इस नए तेंदुए की जागीर शायद 30 वर्ग मील क्षेत्र में थी, लेकिन वह उसी स्थान विशेष पर पहुंचा जहां से नरभक्षी तेंदुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था। यह 18 मील की यात्रा कल जितनी लंबी थी, आज और लंबी महसूस हो रही थी और पहाड़ियां और भी ज्यादा खड़ी लग रही थी। सुबह से ही असफलता के कारण हताशा से घिरा मैं आखिरी गांव तक पहुंचा, जहां मेरे लिए चाय और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। इस गांव से रुद्रप्रयाग 4 मील दूर रह गया था। जब इस गांव से मैं वापस रुद्रप्रयाग की तरफ चला, तो मैंने देखा कि मैं आदमखोर के पंजा निशानों के साथ साथ चल रहा था। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार मनुष्य की मानसिक स्थिति सुस्त और चुस्त होती है। आदमखोर कई मील पीछे से इस रास्ते पर आया होगा, लेकिन गांव के भोले भाले लोगों से बातचीत करके और चाय पीने के बाद मैं इतना तरोताजा हो गया था कि उस सुबह इतनी देर बाद मैं पंजों के निशानों को देख पाया। पंजों के निशानों से पता चलता था कि वह आदमखोर तेंदुआ अपनी सामान्य चाल से चलकर आया था और लगभग आधा मील चलने के बाद उसने अपनी रफ्तार तेज करनी शुरू की थी। यह रफ्तार गुलाब राय चट्टी के ऊपर बीहड़ के सिरे तक गई, जहां से वह खाई में घुस गया था। 1 घंटा सोने व नहाने के बाद मैं गुलाब राय चट्टी की तरफ चल दिया। वहां के धर्मशाला के मालिक पंडित को यह सचेत करने गया कि आसपास ही आदमखोर घूम रहा है। उस पंडित से मेरी दोस्ती तभी हो गई थी जब मैं पहली बार रुद्रप्रयाग आया था। मैं जब भी गुलाब राय की चट्टी से गुजरता, उस पंडित से अवश्य ही बात करता। उसके पास आदमखोर और गुलाब राय चट्टी से गुजरने वाले यात्रियों के बारे में कई किस्से होते थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह उन दो लोगों में से एक था जो उस तेंदुए के हमले के बावजूद बच निकले थे। इस बार पंडित ने एक किस्सा सुनाया जो उसकी किसी परिचित महिला के बारे में था जो गुलाब राय की चट्टी के आगे गांव की थी। एक दिन रुद्रप्रयाग बाजार में खरीदारी के बाद वह महिला शाम को देर से गुलाब राय की चट्टी पर पहुंची और इस डर से कि अंधेरे में वह अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगी, उसने पंडित से उसके छप्पर में ही रात गुजारने की अनुमति मांगी। पंडित ने उसे अनुमति दे दी और कहा कि वह भंडार वाले कमरे के दरवाजे पर सो जाए। भंडार में खाद्य सामग्री रखी थी जिसे यात्री लोग खरीदते थे।
पंडित ने महिला को भंडार के बाहर सोने को इसलिए कहा था कि एक तरफ कमरे की आड़ थी और दूसरी तरफ छप्पर में रात गुजार रहे लगभग 50 यात्री थे। छप्पर घास फूस की छत का बना था और सड़क की तरफ खुलता था। उसके एक तरफ पहाड़ी थी। भंडार का कमरा पहाड़ी और छप्पर के बीच में था, लेकिन इस कमरे से छप्पर का रास्ता नहीं रुकता था, इसलिए महिला के भंडार कक्ष के दरवाजे पर लेट जाने के बाद उसके और सड़क के बीच यात्रियों की कतार थी। लगभग आधी रात को एक महिला चिल्लाई और कहने लगी कि उसे बिच्छू ने काट लिया है। रोशनी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए माचिस की सहायता से महिला का पांव देखा गया, जिस पर खरोच लगी थी और खून बह रहा था। साथ के यात्री बड़बड़ाने लगे कि महिला ने फालतू में बात का बतंगड़ बनाया है और बिच्छू के काटने पर तो खून निकलता ही नहीं है। इसके बाद सभी यात्री सो गए। सुबह होने पर पंडित पहाड़ी पर आम के पेड़ से ऊपर स्थित अपने घर से उस छप्पर की तरफ आया तो उसने पाया कि उस महिला की साड़ी पड़ी थी जो पास के ही गांव की रहने वाली थी। साड़ी पर खून लगा हुआ था। पंडित ने इस परिचित महिला को अपने हिसाब से सबसे सुरक्षित जगह पर आश्रय दिया था। महिला के चारों ओर 50 यात्री सोए थे, फिर भी सोए लोगों के ऊपर से होते हुए वह तेंदुआ आया और उस महिला को मार के उस छप्पर से बाहर ले गया। लौटते हुए इत्तेफाक से एक सोई यात्री महिला के पैर पर उस तेंदुए के पंजे द्वारा खरोच लग गई। वह आदमखोर तेंदुआ सभी यात्रियों को छोड़कर पहाड़ी महिला को ही क्यों ले गया? इस बारे में पंडित का मानना है कि उस रात छप्पर में केवल वही महिला रंगीन कपड़े पहने हुई थी, इसलिए रंग के प्रति विशेष आकर्षण या विकर्षण के कारण वह तेंदुआ उसे ले गया। लेकिन यह तर्क दमदार नहीं था। अगर वह तेंदुआ खुशबू से अपने शिकार को चुनते तो मैं यह मानता कि छप्पर में सोए सभी लोगों में से तेंदुए ने उस पहाड़ी महिला को इसलिए चुना कि उसमें उस तेंदुए को परिचित गंध का एहसास हुआ होगा। लेकिन यह अनुमान भी सही नहीं है, क्योंकि तेंदुए सूंघकर शिकार नहीं करते। क्या यह दुर्भाग्य था या बदकिस्मती, या वही महिला अकेली थी जिसे एहसास था कि खुले में सोने से खतरा है? क्या महिला के इस डर की जानकारी किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा उस आदमखोर तक पहुंची थी जिससे वह उस महिला की तरफ आकर्षित हुआ था? इस घटना के थोड़े दिन के बाद उस पंडित का भी आदमखोर से सामना हुआ।